दोस्तों क्या आपको पता है कि एक ECR पासपोर्ट और एक ECNR पासपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपके पास या तो एक ECR पासपोर्ट है या फिर एक ECNR पासपोर्ट है। ये दो टाइप जो है दोस्तों इंडियन पासपोर्ट के टाइप्स होते हैं और इन टाइप्स के बीच में क्या डिफरेंस है आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। दोस्तों ये दोनों टाइप्स जो है बहुत ही अलग है एक दूसरे से और ये दोनों ही टाइप आपके इमिग्रेशन प्रोसेस को जो है दोस्तों बहुत ही तरीके से चेंज कर सकते हैं और वो क्या चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एक ECR पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको जो है इमिग्रेशन चेक के जरिए होकर के गुजरना पड़ता है। जब जब आप वर्क वीजा पे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जाकर के काम करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको हर बार जो है इमिग्रेशन चेक के जरिए होकर के गुजरना पड़ता है और आपके लिए जो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी हो सकता है। और अगर आप एक ECNR पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको जो है ऐसे किसी भी इमिग्रेशन चेक के जरिए होकर के नहीं गुजरना होता है दोस्तों। फिर चाहे आप दोस्तों वर्क वीजा पे जाएं, स्टडी वीजा पे जाएं, टूरिस्ट वीजा पे जाएं, बिजनेस वीजा पे जाएं या फिर किसी भी टाइप के वीजा पे क्यों ना जाएं, ठीक है। आपके इमिग्रेशन को कैसे आप आसान कर सकते हैं, कैसे आप एक ECNR पासपोर्ट होल्डर बन सकते हैं दोस्तों, साथ ही कौन कौन से कंट्री में ECR पासपोर्ट होल्डर्स को इमिग्रेशन चेक के जरिए होकर के गुजरना पड़ता है, आज की इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आपको अगर जानना है दोस्तों कि आप कैसे ECNR पासपोर्ट ले सकते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, आपको जो है पहले मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूं, आपको सारी की सारी जानकारी देता हूं और उसके बाद करेंगे बाकी की बातें। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट डू ECR एंड नॉन ECR इन इंडियन पासपोर्ट मीन। इंडियन पासपोर्ट के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, दो टाइप होते हैं, एक ECR होता है एक नॉन ECR होता है। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसकी थोड़ी सी जानकारी, ठीक है। यहाँ जो है आपको जो है ECR नॉन ECR ये डिपेंड करता है आपकी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे, ठीक है। आप कितने पढ़े हैं, आपकी उम्र क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको ECR मिलने वाला है या फिर ECNR मिलने वाला है। ECR में आपको चेकिंग की ज़रूरत पड़ती है इमिग्रेशन के दौरान और ECNR में आपको किसी भी चेकिंग के थ्रू होकर के नहीं गुजरना होता है। दोस्तों यहां पर जो है ये पासपोर्ट कैटेगरीज को जो है इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1983 के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर ECR पासपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ECR पासपोर्ट का फुल फॉर्म जो होता है इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड या फिर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड भी कह सकते हैं हम लोग। यहां पर लिखा हुआ है कि अगर एप्लीकेंट ने 10 पास नहीं किया है दोस्तों तो उसके और उसके पास जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको जो है अंडर गो होना पड़ता है इमिग्रेशन चेक के, उसको जो है इमिग्रेशन चेक के जरिए होकर के गुजरना पड़ता है और उसको जो है ECR पासपोर्ट ही मिलता है। यानी कि आप 10वीं पास नहीं है दोस्तों, अगर आपने 10 क्लास से कम पढ़ाई की है तो आपको ECR पासपोर्ट मिलने वाला है और आपको जो है हर जगह मतलब जहां जहां जिस जिस कंट्री में इमिग्रेशन चेक जरूरी होता है वहां पर आपको इमिग्रेशन चेक के जरिए होकर के गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है या तो 10th पास नहीं करने वालों को मिलता है या तो 15 साल के मतलब जो बच्चे होते हैं उनको मिलता है और ये डायरेक्टली मिलता है। आप इसके लिए जो है ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते दोस्तों कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। आप 10वीं पास नहीं है, आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको ECR पासपोर्ट ही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 कंट्रीज़ की लिस्ट है जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, इराक, इंडोनेशिया, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूएई एंड यमन है दोस्तों, जहां पर अगर आप एक ECR पासपोर्ट होल्डर हैं और आप वर्क वीज़ा पे काम करने जाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको जो है इमिग्रेशन क्लियरेंस के ज़रिए होकर के गुजरना पड़ता है। अगर आप इमिग्रेशन और ये टोटली डिपेंड करता है वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर्स पे कि वो आपको वहां मतलब एंट्री देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ECR पासपोर्ट होने के कुछ फ़ायदे भी हैं दोस्तों और कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ये ECR पासपोर्ट जो है इसीलिए बनाया गया है ताकि जो है जो कम पढ़े लिखे लोगों के साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में वो ना हो सके और मतलब उस चीज़ से जो है मतलब एप्लीकेंट्स को और कैंडिडेट्स को और फॉरेन वर्कर्स को जो है प्रिवेंट किया जा सके, इसी चीज़ के लिए जो है ECR वाला रूल जो है लागू किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन ECR क्या आता है, नॉन ECR या फिर ECNR कह सकते हैं आप लोग दोस्तों, जिसे कहते हैं इमिग्रेशन क्लियरेंस नॉट रिक्वायर्ड। ऑलमोस्ट हर कंट्री ऐसी है दोस्तों जहां पर इमिग्रेशन क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप ECNR पासपोर्ट होल्डर हैं तो। ECNR पासपोर्ट होल्डर उन लोगों को मिलता है जिन्होंने 10वीं पास कर ली है या फिर जो 50 साल की उम्र से ऊपर के हैं, ठीक है। इनको डिफ़ॉल्ट जो है ECNR पासपोर्ट मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया कौन कौन अप्लाई कर सकता है ECNR पासपोर्ट के लिए, ठीक है। आप अगर एलिजिबल है ECNR पासपोर्ट के लिए तो कैसे एलिजिबल होंगे ये अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आगे बता देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियंस
हुज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज अबव 10th ग्रेड एंड हैव ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप 10वीं पास हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो आप ECNR पासपोर्ट होल्डर बन सकते हैं। 50 साल की एज होनी चाहिए, डिप्लोमा कर रखा है आपने पॉलिटेक्निक में तो आपको मिल सकता है, या फिर आप 3 साल के लिए कहीं अब्रॉड रह चुके हैं तो आपको मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आपको मिल सकता है दोस्तों। साथ ही अगर आप US, UK और ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट इमिग्रेशन ले चुके हैं, परमानेंट रेजिडेंसी ले चुके हैं दोस्तों, तो आपको डायरेक्टली ECNR पासपोर्ट मिलता है। ये पूरे के पूरे जो है मैंने आपको कंडीशंस बता दिए हैं दोस्तों। कौन कौन सी कंट्रीज एक्सेप्ट करती है ECNR पासपोर्ट, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी टाइप के वीज़ा पे जा सकते हैं और सारी की सारी कंट्रीज जो है आपको अलाउ करेंगी अगर आप एक ECNR पासपोर्ट होल्डर है तो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी होते हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस प्रूफ वगैरह देना होता है और इमरजेंसी प्रूफ वगैरह देना होता है, यही सारी चीज़ें देनी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप जो है नॉर्मली जैसे अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कैन यू कन्वर्ट योर ECR पासपोर्ट इंटू नॉन ECR। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सपोज आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं या फिर आपकी जो है उम्र बढ़ जाती है तो आप जो है चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है पासपोर्ट अप्लाई करते समय जो है अननोइंगली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ECNR के लिए एलिजिबल होते हैं, फिर भी वो ECR ऑप्ट कर देते हैं और फिर बाद में जो है उनको चेंज करने में जो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए ECNR और ECR पासपोर्ट में जो है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको जो है अपने इमिग्रेशन में जो है ज़रा सी भी परेशानी ना आए। देखा दोस्तों कितना ज़्यादा डिफरेंस है एक ECR और एक ECNR पासपोर्ट में। अगर आप एक ECR पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपके लिए इमिग्रेशन जो है थोड़ा सा कठिन हो सकता है दोस्तों, और अगर आप एक ECNR पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप दुनिया में किसी भी कंट्री में जाइए, आपको थोड़ी सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी ECNR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं लेकिन आपने गलती से ECR पासपोर्ट मतलब अप्लाई कर दिया है तो जल्द से जल्द जो है इसको चेंज करने में लग जाइए। और मैंने आपको बता ही दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है दोस्तों। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं दोस्तों तो जल्द से जल्द एक ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए और अपने इमिग्रेशन प्रोसेस को जो है आसान बनाइए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।